किताब में लिखा है हमारे बसरा ही अपने फा का वाक्य है और दबा सब तो वैसे ही छेछरा भा सब होता है कन्या पर पड़ा जुलुम कन्या सब बोलते ही समझा तो वो बेचारी कन्या है अपना दुश्मनी को झाड़ू बहाड़ू सब करती है गल्ला को सुखाती है ऊपर रखती है फिर ऊपर से उतारती है नीचे उतरती है ऐसे ही ना करो औरत अपने काम में लगी रहती है जो कुर्ती भरनी करना रहता है करती है कि नहीं करती। अभी बेचारी जो है कोई चीज लेके चंगेरा में या मुजेला में सीढ़ी पर चोरत अब उस सीढ़ी में कै गो जीना था ये तो मालूम नहीं है मगर जब बीच सीढ़ी पर गेला तो मर्दबा के सन की दौरा रहे का रहे चौकी पर बैठा रहे कि खटिया पर पीढ़िया पर तो सीधे कहता है का ए मलिकपुर वाली तू बेचारी चंगेरा लेके कहा के तोरे अगर ऊपर चढ़बे तब तो तीन गो तलाक नीचे उतरबे तब तो तीन गो तलाक अरे तुर पर रे ससुराया तो उतरे दही आ न तो ऊपरे चढ़े दही अपना छते पर रही नहीं कहा के ऊपर चढ़बे तैयो तलाक आ नीचे उतरबे तैयो अरे पहले की बेटी थी अपने हाथ से कुरान लिखती थी बाप के हवाले करती थी और जब निकाह होता था तो वही जहेज में दिया जाता था। बात समझ में आई कि नहीं आई। हजरत मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बेटी हदीस सुनती थी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी में बैठ के क्या पढ़ती थे पढ़ाते थे हदीस पढ़ाते थे तालिब इल्म जब इबारत पढ़ता था लफ्ज पढ़ता था और गलती हो जाती थी तो उनकी बेटी के मार के पीछे छुकी रहती थी और कोई तालिब इल्म अगर गलती पढ़ता था तो ऐसे ही यदि अब्बा जान होशियार तालिब इल्म गलत पढ़ के भाग गया। बात समझ में आई एक बताए सनाए किताब है हमारे उलमा को मालूम उनके जो लिखने वाले थे मालूम है उनकी शादी किससे हुई एक लड़की थी वो इतनी जबरदस्त आलमा हुई इतनी जबरदस्त आलमा हुई कि उसने ये अपने बाप से कह दिया कि जो मेरे इल्म का जवाब देगा जो आलिम मैं उसी से शादी करूं। कितने आलिम आए सवाल जवाब में फेल हो गए किसी से शादी नहीं। ये जो साहिबे बताए सनाए थे उन्होंने जवाब दिया तब जा करके उस लड़की ने उन बुजुर्ग से शादी अल मुख्तसर जब शादी हो गई तो उस इलाके में ऐलान हो गया कि जिस मसले पर दोनों मियां बीवी का दस्तखत नहीं होगा वो मसला वो फतवा नहीं माना। कितना इल्म था उस जमाने में कितना इल्म था उस जमाने में और बहुत सारी कहानियां आपको उतना सुनाना नहीं। आप लोग बेमग्ज आदमी हैं आप लोग थ्री थम्मन से रहने वाले आदमी नहीं है आप लोग ऊंच नीच नहीं समझते हैं आप लोग हर चीज में हुड़दंगी करते हैं आपके पाँव में कोई सेबात नहीं है और ठहराव नहीं है आप जब जो चाहते हैं कर लेते हैं जलसों में आते हैं और उसके बाद हड़बंग करते हैं और फिर जब मन में आता है आते हैं फिर चले जाते हैं फिर टहल लेते हैं फिर चले आते हैं ये क्या मजाक है। आप लोगों को यहाँ पर अगर आए और आप 40 गो हदीस 5 गो मौलाना से सुन लिया और याद कर लिया अल्लाह ताला के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के इल्म में से 40 हदीस जिसने याद कर लिया अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन आलिम और फकीह बना करके उठाएंगे। 40 आप लोग इस इरादे से तो आते नहीं हम तो आजकल यही सब बोलते रहे बदमाशी है सख्त नफरत होती है अल्लाह ताला को आपसे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुंह दिखाएंगे। आप लोग नहीं सोचते हैं आप एक जुर्म कर लीजिए बाप को मालूम हो जाए तो आप माँ और बाप दोनों को किसी को भी आप अपने नजर से नजर नहीं मिलाएंगे मगर यहाँ मजलिसों में आते हैं इतनी बड़ी बर्बादी कितना बड़ा जुल्म करते हैं इस्लाम को बदनाम करते हैं। उस लड़की को कितना इल्म था
उसने देखा कि मेरे शौहर ने तीनों तलाक दे दिया, न ऊपर चढ़ सकते हैं न नीचे उतर सकते हैं, लिहाजा उसने चंगेरा लिए हुए छलांग मारा। आपके पास है जवाब, आपके जहन में है ये बात, न ऊपर चढ़ी और न नीचे उतरी, सीधे सीढ़ी पर से छलांग नीचे लगा दिया, तलाक नहीं पड़ी। जानती थी तब ना उसने छलांग लगा। सोचिए, सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? तो उस लड़की को इल्म था, इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शानू ने उसको तीनों तलाक से बचा दिया। जो गिर गए हमरे, हमको लगता है पर छुआ मर्दबा रहा, समझा कि नहीं, जब वो कूद गए तो ये देखा कि न ऊपर चढ़ी न नीचे, अच्छा लांग लगा दिया। दीदी बड़ी आलमा फाजला, बड़ी अकला है, बड़ी अकलमंद है, तो कहा कि ए मेरी जान, भाई दूर रहे दो अपनी जान, लुत्ती लगा तो रे जान में, आई हमरे तलाक देते कि हमरे धिया पुता को हमरे से जुदा कर देते। कल कह की है गलती तो हो लो का, गलती ऐसी तैसी होती, अगर हमरे इलम न रहता, हमरे सूझबूझ न रहता, हमरे दिमाग न रहता, तो हम न ऊपर चढ़ते न नीचे, तो हम वहीं पर खड़ी रहती रहती, तोरा नजारा कर, तू ही रोटी पकाते, तू ही बउआ को खिलाते, तू ही बउआ को सुताते, तू ही बउआ को खिलाते। तो कल के मान गेलियो, का तू मान चाहे न मान, मानते तो हमरे तीन को तलाक देवे की धमकी, ऐसी शर्त के साथ कि ऊपर चढ़े तो तलाक, नीचे उतरबे तैयो तलाक, जान पट्ट खा के। क्या कहता है मर्दवा, ए अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिंदा न रहते, जितना मदीना वाला है सब तुर ही से तो मसला तुरे कुछ आप होगी तुर यहाँ पर न हम होगी। खैर, कहने का मतलब यह है कि एक इल्म ने कितने बड़े वहले और हादसे से बचा दिया। आपके पास इल्म होगा, वो इल्म आपकी रहनुमाई करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?